हैं। लड़ाई झगड़ों वाले खुल जाए आज मैं तो कहता हूँ अभी चल रही थी सडनली मतलब, थोड़ी 10 दिन में शादी होगी हाँ। हो मतलब जब बहुत देर तक... और उस बीच में फिर आप वो कुकिंग शो हाँ। वो कर रही थी कर रही थी घर ही नहीं आ रही थी ना अच्छा हालांकि घर ही थी अब गए थे घर आओगी तो टीवी छोड़ना पड़ेगा और मैं घर नहीं आ रही थी मैं नहीं आऊंगी तो उसके बीच में बेचारी मेरी अम्मी अल्लाह बख्श पिस रही थी बहुत उसके बीच में कभी उधर तो खाला खाला हाँ, तो थी कि मेरे बेटे को भी करा <laughs> 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 so <she was> chill. <laughs> तो हुआ ये उन्हीं दिन जब मैं कुकिंग शो करी थी तो फिल्म स्टार नूर जी 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 उन्होंने अपना कोई ड्रामा प्रोड्यूस किया था फारूक मेंगल उसको डायरेक्टर चुके उसमें उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल ऑफ़र किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब लाइक दो तीन किस्त का, का तो <laughs> मतलब जिद्दी थी समझ नहीं आता था अम्मा अब्बा क्या कह रहे हैं या शायद वो अगेंस्ट है अब जब थोड़े मेच्योर हो गए तो समझ में आती है उनकी बहुत सारी बातें लेकिन आप उस फेज में और उस एज में जब होते हो तो आपको लगता है आप ठीक हो तो मैं उस फेज में थी और मैंने बहुत जिद्द की है तो उस वक्त फिर ये था कि जब वो ड्रामे की शूट में मरी में करने गई तो वो जो हवेली जहाँ शूट हो रही थी वो मेरे हस्बैंड की फैमिली थी अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तलाश करके मेरा नंबर ढूंढा बिकॉज छह महीने वेट किया उन्होंने छह महीने से ढूंढ रहा था वो उन लोगों से पूछना नहीं चाहता क्या था यार वो क्या सोचेंगे कि एक एक्टर हाँ। आया शूट के लिए आई थी और अब उसका नंबर मांग रहा है और यार उसने बहुत ढूंढ के तलाश किया नंबर तो so, ग्रेजुअली थोड़ी बहुत पहले इंट्रोडक्शन दिया मुझे याद था कि अच्छा हम वहाँ मिले थे जनरली वी स्टार्टेड टॉकिंग और उस नब्बा की ये चीजें चल रही थी ठीक है। कि तुम शादी कर लो अदी से आई डोंट नो शायद अल्लाह मैंने लिखा था उसके उस बात करने के छह महीने के बाद हम शादीशुदा थे छह महीने के अंदर अंदर वे we मैरिड

कि आप अपनी कामयाबी hmm. का क्रेडिट अपने अलावा किसको देती है तो सबसे पहले थैंक यू अल्लामिया जी कि आपने इतना वो रास्ते बनाए और चीजें की और अपनी मेहनत तो उसके बाद नो माई पेरेंट्स बिकॉज माय अम्मा नेवर सपोर्टेड मी अच्छा आंटी ने तो किया ने आपको अम्मा। फिर, फिर फिर भी शादी कि... कर ली छोड़ दो बट ऑनेस्टली स्पीकिंग माई हजब अच्छा मलिक साहब सच सपोर्टिव मेरा कोई चीज छोटी सी भी थी ना मुझसे ज़्यादा खुशी उसको स्वीट और उसने अपनी में लिया, उसने अपनी में बोला काम नो बोना मलिक साहब के लिए तालियां मलिक साहब के लिए आज हम तालियां पे जाएंगे थैंक यू मलिक साहब yeah. uh, शादी हो गई आपकी और इस बीच ए टी पे जो आपका कुकिंग शो चल रहा था उसके बाद छोटे छोटे रोल भी नहीं कर जो हम सब उम्मीद से हैं कब आपने करना शुरू किया हम सब उम्मीद से सबा कमर ने जब छोड़ा और नहीं, उसके बाद आपने नहीं, स्टेप... उसके पहले सबा कमर के होते हुए मैं पेरेडीज के लिए गई थी सानिया मिर्जा की पैरेडीज आप सानिया मिर्जा की पैरेडीज रीमा जी की आपने खिलाया था रीमा की मीरा की

बाई दला पाक जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी फिल्म को जो कामयाबी मिली है बाय दी ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक और आपकी दुआओं का नतीजा आई डोट नो वट आई एम डूइंग इट बट उस वक्त बहुत प्रैक्टिस और उसमें फ्लो में होता था सो या मीरा जी और बुशं सारीख तो खे बहुत लाउड होती थी, थी उनकी उस जमाने में उनका एक ड्रामा हिट था जिसमें उनका लाफ्ट होता था आई डोट नो वट नहीं <laughs> कोई बात नहीं।, नहीं कोई बात नहीं पैरिडीज so, yeah, हम do. सब उम्मीद से हैं ये आपको डॉक्टर ने ढूंढा जब आप ए पे वो करी थी शो।, पे शो करी थी और छोटे मोटे केबल कमर्शियल शुरू कर दिए थे टाइप्स थिंग्स और छोटे मोटे ड्रामाज में कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए थे तो ठीक है सो आई वुड से हम सब उम्मीद से पहले आप पैरिटीज करी थी फिर आपने होस्ट किया सो दैट वॉज रियली लाइक योर बिग ब्रेक Yes, definitely. तब, तब मुझे वो... लोगों ने रिक्नाइज करना शुरू किया कि अच्छा यार ये कोई फेस है उससे हाँ. पहले बेशक छोटे मोटे जितने भी काम करी थी बट नो बडी नोज मी ठीक है कि मतलब कोई है इस टाइप की लड़की लेकिन जब हम सब उम्मीद से हमें पैरिडिस की तो थोड़ा बहुत जानने को मिला लेकिन जब ऑफकोर्स Hmm. जब होस्ट किया तो सो दैट इज व्हेन किरण रियलाइज कि यार कि वो जो मेरा बचपन का एक ख्वाब था कि मैंने टीवी के ऊपर आना था या आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइक यू नो द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट वो पूरा हो गया वो तसल्ली हुई फिर तब ये उस वक्त नहीं हुई थी अच्छा नहीं हुई थी तो पार्टी शुरू हुई थी <laughs> अभी तो मंजिल बहुत दूर थी तो हम सब उम्मीद से हैं जब मुझे ओ, होस्ट करने को मिला तो उसके बाद एक्टिंग, एक्टिंग मुझे बहुत सीरियसली नहीं आती थी थी अच्छा छोटे मोटे रोल करती थी, लेकिन डायरेक्टर्स अक्सर से मुझे सेट पे कास्ट करके निकाल देते थे अपने अम्मा को का इतना दिल दुखाया उस चीज के, के? लिए थी थी या आ... so हाँ. अपनी ने, आप उस वक्त एक्सेप्ट ही नहीं करते मेच्योर होती ही नहीं मतलब एक सत्रह साल की लड़की जो है वो इतनी होगी कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि में कमी है, हुँ, हुँ। और दस और भी में होती है। ना कंट्रोवर्शियल चीजें तो हम जानना चाहते हैं किरण मतलब कम ऑन अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है तो मैं नहीं मानती अच्छा बिकॉज आई वॉज जिसने बहुत छोटे छोटे रोल से शुरू किया और बहुत जर्नी मेरी रही है जूनियर आर्ट एक्स्ट्राज जूनियर आर्टिस्ट सपोर्टिंग रोल मेजर सपोर्टिंग नेगेटिव नेगेटिव लीड एंड देन लीड पे पहुंची हूँ इट्स द होल प्रोसेस और जैसे लोगों को लगता है बहुत सारे लोग आज भी मेरे बारे में बात करते हैं और लिखते हैं कि यार तुम जितनी अच्छी एक्टर हो ना तुम वहाँ पहुँची नहीं हो ठीक है शायद अल्लाह ताला ने इतना लिखा है या इतना ही आ, उनका होगा मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस कास्टिंग काउच को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस हुए बहुत लोगों ने उसको किया वो कास्ट करके डेट्स फाइनल हो गई हैं सब कुछ है सेट पे जाना है और सेट पे जाने से दो दिन पहले मुझे कॉल आती है कि फ्ला डायरेक्टर या फ्ला प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं एंड इफ आई गो तो एक दिन बाद मुझे कहा जाता था कि प्रॉब्लम हो गई है और शूट थोड़ा डिले हो गया आपको किसी और की होती थी सो दिस बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि बिल्कुल ही नहीं है तो मैं नहीं मानती और मैं ये भी नहीं कहती कि सब सब यही करके या सबको इसी वजह से सक्सेस मिली क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेहनत भी होती है आपके केस में पार्ट पाया जरूर जाता है हर एक्टर को कहीं ना कहीं फेस जरूर करना पड़ता है फाइट करनी पड़ती है इससे निकलना पड़ता है कुछ डिप्लोमेटिकली बच के निकल जाते हैं दिस इज असन फॉर दरिंग अपकमिंग एक्टर्स मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो हमारे नए लड़के लड़के हैं जो कि आना चाहते हैं इंडस्ट्री में उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए किरण आपको नहीं लगता उनको पता होना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में कि सब हंकी डोरी नहीं है इतना आसान नहीं है इस इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस पर मैं उनके उनके लिए सिर्फ एक चीज जरूर उनसे कहूंगी कि बेटा है ये चीज और ये शायद हमेशा रहेगी आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप किसी पॉइंट पे वीक पड़ोगे ना तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको वो आदमी या वो इंसान वो आपको वही एक प्रोजेक्ट देगा उस एक चीज के लिए वो एक ही मिलेगा वो आपको स्टार नहीं बना देता तो इसका मतलब है कि आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए अगले आदमी के पास जाना पड़ेगा उससे आगे के लिए उससे आगे के पास जाना पड़ेगा आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो कुछ कदम पीछे ले लो वेट कर लो मिल जाएगा जो आपका है इन नौ सालों में माशाल्लाह जैसे आपने अभी अपनी जर्नी के बारे में बताया जूनियर आर्टिस से शुरू एक्स्ट्रा से शुरू किया फिर जूनियर आर्टिस्ट फिर माइनर सपोर्टिंग फिर मेजर सपोर्टिंग फिर नेगेटिव और फिर लीड ने, फिर नेगेटिव लीड फिर नेगेटिव लीड और फिर लैंड मेड लीड तो ये आप नौ साल आपको लगे इन नौ सालों में आपने बेशुमार प्रोजेक्ट्स में काम किया मैं नंबर जब आपसे पूछा था आपको खुद भी नहीं याद हो रहा था आपने बोला कि अगर मैं या... छोटे वाले भी जूनियर तो तो आर्ट काउंट कर सकती, तो सकती, ही नहीं कर, सकती आप 20 कर ले ट्वेंटी माशाल्लाह एक बड़ा नंबर है